गाइज वेलकम टू मोट्रॉक टीम कैसे आप लोग सब आज दोस्तों आज के वीडियो की प्रिपरेशन के टाइम पे ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन चल रही थी फ्रॉम द भगवत गीता जेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वो वो आचरण करते हैं अब इसका मतलब क्या हुआ वो ये है कि जो महान व्यक्ति लोग काम करते हैं उसे दूसरे कॉमन लोग कॉपी करने की कोशिश करते ताकि वो भी महान बन सके What is the मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो गाड़ी के बारे में जो काफी यूनिक है एंड इन द कमिंग टाइम में आप देखोगे दूसरी गाड़ियां भी इसे ऑफर कर रही है जी हाँ दोस्तों सो so, इसी वजह से यह वीडियो बनाया जा रहा है और अगर मैं यूनिक फीचर्स गिनाने आपको तो बेसिकली मेरे को सीरीज बनानी पड़ेगी वॉट आई कैन डूज आई कैन हो पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ सात यूनिक और इसमें से मेजरली जो फीचर्स है ना आपको नहीं पता होंगे सो वॉट दिस एंटायर वीडियो इनफैक्ट मैं आपको कहने वाला हूँ अगर आप एक्स्यूवी सेवन डब्लू लेने के लिए कन्फ्यूज है आप जाके हमारे सारे वीडियोस देख लीजिए ये हमारी परचेस कार का वीडियो देख लीजिए हमारा सर्विस कॉस्ट देख लीजिए हमने ओनर्स के साथ एक सर्विस वीडियो वीडियो किया वो जाके देख लीजिए एंड वी बिल्ट अ लॉट मोर कंटेंट ऑन इट कंपेरिजन देखना है असली टेस्ट देखना है बहुत कुछ कॉन्टेंट हमने किया आपके लिए जिससे आप एज अ बायर को क्लैरिटी मिल सके कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं सो वॉट आर वी वेटिंग फॉर जाते इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं लेट्स गो So guys, ये वीडियो में ना मैं आपके साथ बेसिक चीजें नहीं शेयर करने वाला जो आपको पता है कि है, Edaz है, कि ये है वो है आपको वो सब पता है। We are not getting into those details. यहां पे हम आपको यूनिक फीचर्स बताने वाले इस गाड़ी में जो शायद आपको नहीं पता थे एंड द फर्स्ट फीचर कवर इज द थ्री सिक्सटी कैमरा जो आपको पता है लेकिन इसमें ऐसा कुछ आता है जो आपको नहीं पता होगा सो लेट स्टार्ट कवरिंग ईच ऑफ देम

और उस उसपे आप 11 घंटे तक की रिकॉर्डिंग रख सकते हो जी हां यू कैन नाउ हैव अ थ्री सिक्सटी कैमरा पे रिकॉर्डिंग ऑफ अप टू इलेवन आवर्स आई एम श्योर आपको ये फीचर के बारे में नहीं पता था नहीं पता था ना कॉमेंट्स में जरूर बताइए हाउ ड्यू फाइंड दिस फीचर अब तो और चीजें आनी बाकी है सेकेंड फीचर जो आपको बताना चाहता हूं इज एक्चुअली ऑटो बूस्टर बुस्टर हेडलैम्स अब इसके बारे में, में बहुत डिस्कशन किया आपके साथ इन लॉर्ड ऑफ डिटेल लेकिन आज मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि ये लाइट्स एक्चुअली में फंक्शन क्यों करती है और मैं इसके बारे में इतना प्रेस क्यूँ बताऊं अब अगर कोई भी गाड़ी में आप देखते हैं ऑटोमेटिक ऑटोमैटिकाइम्स है मतलब क्या होता है कि अगर आप रात में कहीं चले गए अंधेरा हो गया तो आपकी हेडलाइट ऑन हो जाएगी और दिन हो गया मतलब धूप है तो बंद हो जाती है राइट दैट्स वट दे डू बट ये लाइट्स और ज्यादा इंटेलिजेंट है अब अगर आपने अपनी लाइट्स को ऑटो पे रखा है ओके लिसन टू मी क्लियरली एक बार अच्छे से सुन लीजिए ऑटो पे रखा है और मान लीजिए आपने हाई बीम भी कर दिया उसके साथ। so, आपकी गाड़ी को जब लगेगा कि हाँ मुझे हाई बीम ना तो एक एक विजन चाहिए बहुत जबरदस्त हो जाएगा वैसे इसका लो बीम, हाई बीम पे भी आपको बहुत अच्छी लाइट आती है पर जैसे ही ऑटो बूस्टर चालू हो जाता है अलग लेवल का ब्राइटनेस आता है अब आप बोलोगे यार मैं भी बोलूंगा राधर आपके साथ साथ मैं भी ये बोलूंगा कि यार सामने जो गाड़ी आएगी उसको तो कुछ नहीं दिखाई देगा अगर मैं सिंगल लेन रोड पे चल रहा हूं सो so, उसपे भी काम किया गया है तो दीज लाइट आर वेरी इंटेलिजेंट जैसे सामने से कोई गाड़ी आती है ये अपनी लाइट को लोबीम कर देता है वो पार्ट पे जिसे जो सामने गाड़ी आ रही है उसको प्रॉब्लम हो ही ना दीज लाइट्स आर नॉट जस्ट ऑटो बट दे आर ऑटो इंटेलिजेंट जैसे आपके स्मार्टफोन में होता है ना कि दिन में ब्राइटनेस बढ़ जाती है फोन की अपने आप और रात में आते तो ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाती है अगर आप ऑटो पे रखते हो तो ये कुछ वैसे काम करता है ये सिर्फ ऑन एंड ऑफ नहीं करता है बल्कि उसको एडजस्ट भी करता है जिससे आपको बार बार सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है. अच्छा हाईवे पे चलो हाई बीम पे जाते यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग सिर्फ ऑटो पे रख दीजिए एंड यू आर सॉर्टेड मतलब ऑटो हाई बीम लो बीम जो रखना है एक बार सेट कर दो एंड इट विल आपको भी visibility अच्छी रहे और जो सामने आ रहा है है उसको भी भी ना हो. अभी बारी है, अगले point की ये भी बहुत ही यूनिक है तो so ये हमारा next point. पे मैं बात करने वाला हूं टच स्क्रीन की इस टच स्क्रीन में आपके पास भर भर के फीचर्स मिल रहे हैं एंड मैं इसको कहूंगा कुबेर का खजाना हर बार मैं कुछ ढूंढने जाता हूँ ना मेरे को कुछ ना कुछ नया दिखी जाता है यहाँ पे तो आप न्यूज देख सकते हो आप जोमैटो से खाना ऑर्डर कर सकते हो आप डेली एस्ट्रोलॉजी देख सकते हो एंड बहुत सारी और चीजें भी कर सकते हो बट मेनली जो चीज स्टैंड आउट हुई है ना वो है इसमें डॉक्यूमेंट स्टोरेज अब जो गाड़ी का आरसी है लाइसेंस है इंश्योरेंस है यू नो जो भी सारे डॉक्यूमेंट ये सब जो गाड़ी के लिए लगते हैं उनको आप गाड़ी में स्टोर करके रख सकते हो जी हाँ और साथ में ये आपको अपडेट भी देते रहेगा कि आपका इंश्योरेंस पांच को खत्म हो रहा है तो अलर्ट 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 आपका इंश्योरेंस खत्म होने आया है यू नीड टू रिन्यू सो आपको ये सारे अलर्ट्स भी मिलते रहेंगे अभी आप पूछोगे कि ये फीचर आते कैसे मतलब क्या ये फोटो लेता है क्या हमें कैमरा के क्या आगे जो हमने कैमरा देखे इसके वहां जाके फोटो लियो नहीं ले नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आपको ये सारे फीचर्स आपके एडेनॉक्स ऐप आप में ही मिल जाते हैं जहाँ पे आप फोटो ले सकते हो ऑफ दैट डॉक्यूमेंट एंड वो यहाँ हो जाएगा जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर है बाय द वे रिसेंटली जब न्यू ईयर हुआ तब हमें एक यू नो पुश मैसेज आया जहाँ पे हमें एक छोटा वीडियो दिया भेजा गया महिंद्रा की तरफ से हैप्पी 2023। तो बहुत ही प्यारा लगा मैसेज एंड इट वाज अ गुड लाइक अ पर्सनलाइज टच कि हमें यू नो इंपॉर्टेंस का ऐसा फील हुआ कि यार हमें मैसेज यू नो हमारी गाड़ी में आया तो ये एक अलग लेवल का फील आता है सब चीज़ों से जो बात करने वाला वो है इस गाड़ी की यूएसपी का पावर देता है साढ़े चार सौ इस वजह से आपको परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आएगा. प्लस इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं जिप जैप जूम जिप इज लाइक योर नॉर्मल मोड नॉर्मल ड्राइव करना है जूम इज लाइक हाइपर मोड कि आपको बहुत ज्यादा पावर चाहिए एंड बीच में आता है स्पोर्ट मोड तो आपको ज्यादा पावर चाहिए थोड़ा तो जैप अगर आपको बहुत ज्यादा पावर चाहिए इट जूम पर ये सब ऐसे मोड्स तो आपको बहुत गाड़ियों में आते हैं। चौथा मोड आता है, which is custom mode. इसमें आप पांच चीजें गाड़ी की चेंज कर सकते हैं तो इंजन पावर आपको जिप रखना है, है जूम रखना है ब्रेक्स आप कर सकते अगर आपको ब्रेक्स का बाइट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए यू कैन चेंज दैट टू स्टेरिंग व्हील आपको कैसा चाहिए एकदम लाइट चाहिए अगर आप गाड़ी ज्यादा पुश करते हो बट आपको थोड़ा नहीं चाहिए आपको एकदम लाइट स्टेयरिंग चाहिए आप वो भी कर सकते हो आप थीम जो है गाड़ी का जूम में चेंज होता है वो थीम भी चेंज कर सकते हो अपने डिस्प्ले का एंड क्लाइमेट कंट्रोल आपको कैसे रखना है नॉर्मल रखना है ज्यादा रखना है कम रखना है वो चीजों को भी आप यहां एडजस्ट कर सकते हो विच इज अ गुड यूएसपी टू हैव सो गाइस एक नेक्स्ट फीचर जो आपके लिए आ रहा है इज वन ऑफ माई फेवरेट अगेन स्पीकर में आपको सोनी के स्पीकर मिलते हैं बारह स्पीकर आते हैं यहां पे ऊपर स्पीकर है आपको आगे भी एक स्पीकर दिया हुआ है एंड जो ऑडियो क्वालिटी है कोई भी आपको थ्री डी सराउंड स्पीकर नहीं देता है एंड थ्री का जो फील आता है ना दैट्स आई मीन मैं डेली ऑफिस भले पंद्रह बीस मिनट के ट्रिप पे ही जाता हूँ on, on आप लंबे सफर पे जा रहे हो आपको अच्छा स्पीकर्स की जरूरत पड़ती है आप सुन के देखो आपको फर्क पता चलेगा uh, मैंने जो महाकंपेयर किए हमने असली टेस्ट किए हैं उन सब में से वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर जो मिलते हैं वो ये सोनी वाले ही है फर्स्ट टाइम वेन आई सो दोनी कभी सुना नहीं है मैंने जब यह गाड़ी लॉन्च हुई थी बट आफ्टर हरिंग दम आई कंप्लीटली फेल इन लव दूल चीज ये है कि आपको इमर्सिव थ्री डी मिलता है जिसको आप ऑनर ऑफ तो कर सकते हो बट साथ में आप अपना रूम का साइज भी चेंज कर सकते हैं लाइक अगर आपको छोटा रूम का फील चाहिए जैसे लगेगा कि यार एक छोटे रूम में म्यूजिक बज रहा है एक एकदम लाउड बड़ा स्टेडियम जैसे कुछ टाइप फील चाहिए वैसा भी आपको फील मिल सकता है सो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं और एक बार आप 3D ऑन और ऑफ करके देखोगे ना आपको क्लियरली पता चलेगा कि ऑडियो कैसा साउंड करता है गाड़ी का वैसे इस गाड़ी में आपको काफी सारे यूनिक फीचर्स तो आते हैं जैसे वेलकम सीट पर मैं स्टिक करने वाला हूं टू ओनली द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन और ये वाला जो है ना ये मेरा फेवरेट है सबके पास ये गाड़ी में नहीं होगा क्योंकि काफी लोग ये अडेप्टेबिलिटी के साथ गाड़ी नहीं ले रहे होंगे केपेबिलिटी के साथ गाड़ी नहीं ले रहे होंगे एंड दिस इज दी ऑल व्हील ड्राइव आज ये प्राइस पॉइंट में कोई भी सेवन सीटर गाड़ी आपको ऑल व्हील ड्राइव नहीं दे रही है

जो आपके स्टीयरिंग व्हील के राइट right साइड में आता है उसको कहते हैं लॉक मोड अब इससे क्या होगा इससे ये होता है कि आपके रियर व्हील्स को 50 परसेंट एक्स्ट्रा टॉर्क मिलेगा जिस वजह से अगर आपको लगता है ना अरे गाड़ी के नहीं दिए फंस गए थोड़ा शायद कर दो यू विल सी द डिफरेंस एंड मोस्ट केसेस में आपकी गाड़ी को जो वो पुश फैक्टर चाहिए रहता है ऑफ रोड में कभी कभार वहां पे ये बहुत हेल्पफुल होगा एंड दैट एक्स्ट्रा टॉर्क

यू नो वॉल्यूम सडनली बढ़ाना है यू लाइक यू यू वॉन्ट यू वट दैट फील सो आप यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा दिया आपको होम स्क्रीन पे जाना है आपको यहाँ होम स्क्रीन ढूंढना नहीं पड़ेगा गाड़ी चलाते समय तो मैं टू प्रेस द होम बटन आपको कोई एक स्पेशल मोड रखना है कुछ कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए ये मैं ज़्यादा यूज करता हूँ वहां के पास कस्टम बटन है आपको प्रेस कर दो आपको गाना चेंज करना है गाने पे जाना है तो आपके पास वो भी है आपको साथ में किसी को कॉल देखना है रिकॉर्ड तो आपको यहाँ पे भी वो सब सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट बटन ये हुआ है इसके अंदर जिस वजह से इट्स वेरी इजी टू यूज इट मतलब हर बार अगर आप गाड़ी चला रहे हो आप टच स्क्रीन यूज करोगे इट्स अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन आप प्रेस करोगे जाओगे इट्स अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन बट अगर आपके पास यहीं पर कंट्रोल्स ही दिए हुए हैं साथ में So, हैंडी फीचर आ गया है एंड टू बी वेरी ऑनस्ट से जस्ट डिफॉल्ट यूज करते जा रहा था एंड देना आई रियलाइज हरी हाँ ये फीचर भी है था गाड़ी के था। तो ये था हमारा आज का वीडियो यहाँ पे हमने आपको बताए हैं सेवन यूनिक फीचर्स ऑन द एक्स यूवी सेवन डब्लो हमारे हिसाब से जो है एंड अगर आपको अभी भी डाउट्स है अगर अगर आपको अभी भी कंफ्यूज है आप जाके हमारे सारे वीडियो देख लीजिए ऑन द एक्स यूवी सेवन डब्लो आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी टेन थाउजेंड किलोमीटर्स हमने प्रसन्ना एक ओनर है उनका रिव्यू किया है टेन ट्वेल्व थाउजेंड किलोमीटर्स पे उनका सर्विस कॉस्ट हमारा सर्विस कॉस्ट है हमने कंपेयर्स किया हमने इस गाड़ी पे असली टेस्ट किया है सेकंड रो में कितने लोग बैठ सकते हैं थर्ड रो में कितनी जगह है बूथ स्पेस कितनी है सीट्स फोल्ड करके बिना सीट्स फोल्ड किए लाइट कैसी है सारे टेस्ट आपके लिए किए हुए जिससे आपको ना पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि यार गाड़ी ली कि नहीं क्योंकि ये सारे टेस्ट आप नहीं कर पाओगे एंड हमने सब कुछ शेयर किया लाइक अ फुल थ्री व्यू सर्विस uh, कॉस्ट जानना है मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं सारी चीज़ें हमने आपके लिए कवर की तो अगर आप जाके हमारे सारे वी सेवन के वीडियोस देख लोगे मोटर ऑक्टेन के यूट्यूब पे या फेसबुक पे, आपको सारा अंडरस्टैंडिंग वहीं का वहीं मिल जाएगा हमारी गाड़ी ने ऑलरेडी सत्रह हजार से ज्यादा किलोमीटर कर लिया है और बीस हजार बहुत जल्द होने वाला है किलोमीटर आपको, आपको और क्लैरिटी मिलेगी जितने आप वीडियोस देखोगे हमारे आपको उतनी क्लैरिटी मिलते रहेगी अबॉर्टी सेवन डब्लो अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि यार मैं कौन सी गाड़ी ली मुझे समझ नहीं आ रहा है सो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते अब आपको करना क्या पड़ेगा जिन्होंने एक्सपर्ट। एक्सपर्ट सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है आप सेवन डब्लो बोल दो मर्सिडीज बात कर लो मारुति बात कर लो सब टाइप की गाड़ियां उन्होंने ड्राइव की हुई है और वो एक्सपर्ट्स हैं अपने डोमेन के जो आपको गाइड करेंगे कि आप सही गाड़ी ले वरना आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप करके बाद में पछतावा ना हो बहुत ही इजी प्रोसेस ही है ये और उससे इजी पता है क्या है मोटरऑक्टीन को फॉलो करना सो so, आज का वीडियो यहां एंड करता हूं मैं मिलेंगे कल फिर से इन ऑल न्यू वीडियो गाइज टेक केयर सी टू लव यू गाइस बाय